दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा छोटू जानवर है जो सांप जैसे जहरीले और खतरनाक शिकारी से भी पंगा लेने से पीछे नहीं हटता है? ये कैसे अपने शिकार पर हमला करता है? आखिर ये शिकारी है कौन जिसने नागराज की जिंदगी को नरक बना दिया है? ऐसी इसके पास क्या खासियत है जिससे सांप भी इसके सामने हार मान जाते हैं? अगर आप इसके जानलेवा हमलों का खौफनाक मंजर देखेंगे तो आपकी रूह भी कांप जाएगी। अगर आप इस बेरहम शिकारी के बारे में नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। इस खूंखार शिकारी का नाम है नेवला। जी हाँ, ये वही शिकारी है जो नागराज को कहीं भी चैन की सांस लेने नहीं देता। जहां कहीं भी सांप को बैठा हुआ देखता है, वहीं इसे धर दबोचता है। वैसे तो हम जानते हैं कि सांप चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपने शिकार के लिए मौत साबित होता है। लेकिन नेवला तो खुद सांप के लिए चलती फिरती मौत है। चलिए जरा इनके हमले पर नजर डालते हैं। ये नेवला है तो छोटू सा, लेकिन इसकी नजर बहुत तेज है। देखिए कैसे इसने सांप को बैठा हुआ देख लिया और इसके पास भागा भागा चला रहा है। पहले तो ये इधर उधर देखता है कि कहीं कोई और शिकारी तो इस पर नजर गड़ाए नहीं बैठा। लेकिन जब इसे तसल्ली हो जाती है कि इन दोनों के आसपास कोई और तीसरा जानवर नहीं है, तब ये सांप को अपनी चाल में लेना शुरू करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये नेवला इस सांप पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, ये इधर उधर सांप के आसपास ही क्यों डोल रहा है? तो भाई लोग, यही इस शातिर नेवले की शातिर चाल है कि पहले तो ये आराम से देखेगा कि कहां से इस पर वार करना सही है। जब इसको पता चल जाएगा तो इस पर कहर की तरह टूट पड़ेगा। ये देखिए, नेवले ने सांप पर हमला कर दिया है, लेकिन इतना दिमाग लगाने के बाद भी ये सांप इस नेवले के हाथ नहीं लगा और इस नेवले को ही अपने फन से धमका दिया। लेकिन ये नेवला सांप के सामने अपने घुटने नहीं टेक रहा है और लगातार सांप पर हमला किए ही जा रहा है। जब तक सांप में हिम्मत होती है, तब तक वो नेवले का जमकर सामना करता है। लेकिन जब सांप की बैटरी धीरे धीरे कम होने लगती है तो वो जमीन पर ही ढेर हो जाता है और नेवला अपनी शातर चाल से सांप को अपने कब्जे में कर लेता है और सांप के मुंह को अपने मुंह में ऐसे रखता है जैसे वो कोई फ्रेंच फ्राइज खा रहा हो। और इसने सांप का फन तो नहीं कुचला, लेकिन हाँ, मुंह का जरूर नक्शा बिगाड़ दिया। आज तो नागराज बड़े ही खुश थे, इसलिए उल्टे लटक कर झूला झूल रहे थे। लेकिन इनको क्या पता था कि ये जिस तरह पेड़ पर लटके हुए हैं, थोड़ी देर बाद यहीं सूली पर लटक जाएंगे। इस बात का फायदा इस बेरहम नेवले ने उठाया और मौका देखते ही सांप पर दर्दनाक हमला कर दिया। सांप का मुंह नीचे की तरफ था, इसलिए नेवले ने सबसे पहले सांप के मुंह को ही अपना निवाला बनाया और उछल उछल कर सांप का हाल बेहाल कर दिया। नेवले के दांत तलवार के धार से भी पहने होते हैं, इसलिए ये किसी भी शिकार को एक ही बाइट में स्वर्ग का रास्ता दिखा देते हैं। यहाँ तो भाई सांप बुरी तरह से इस नेवले के मुंह में फंस गया है और देखिए कितनी बेरहमी से ये नेवला सांप के मुंह को अपने मजबूत और पैने दांतों में जकड़े हुए है और इसे छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। सांप तो आज खूनम खून हो गया और इसी दर्दनाक हालत में इस नेवले का शिकार बन गया। आज तो भाई मुकाबला बहुत ही गंभीर रूप लेने वाला है, क्योंकि आज ना तो नेवला हार मानने के मूड में है और ना ही सांप नेवले का लंच बनने के लिए तैयार है। यहाँ नदिया किनारे ये नेवला अपना शिकार तलाश करने के लिए आया था और बड़ी ही तेज नजर से अपने शिकार का पता लगा रहा था। तभी इसके सामने एक सांप रेंगता हुआ आया। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसकी आंखें चार हो गईं और तुरंत सांप को अपना लंच बनाने के लिए चल पड़ा।
ये देखिए कैसे कोबरा नेवले को अपने पास आने नहीं दे रहा है और जमकर अपने फन का जादू नेवले पर चला रहा है। वैसे नेवले के दिल में कोबरा का कहीं ना कहीं डर तो बरकरार है, क्योंकि ये जानता है कि अगर कोबरा महाराज ने नेवले की एक किस ले ली तो ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मुंह तो तब दिखेगा ना जब ये जिंदा रहेंगे। इसलिए ये नेवला भी इसके हमलों से बचता फिर रहा है। लेकिन जब कोबरा भाई साहब इस छोटू शिकारी से लड़ते लड़ते अपनी शक्ति खो देते हैं तो ये नेवला कोबरा पर हमला कर देता है और एक ही बार में सांप का मुंह दबोच लेता है। इसके पैने दांतों और दमदार हमलों के आगे ये कोबरा भी कहां जिंदा रह पाता, इसलिए ये भी अपने आप को नेवला के हवाले कर देता है और नेवला खुशी खुशी इस लंच को लेकर फूर्ती से अपने घर भाग जाता है। है ना छोटू दमदार खिलाड़ी, आज तो भाई आपसी जंग छिड़ गई, क्योंकि आज सांप के सामने नेवला या दूसरा शिकारी नहीं है बल्कि खुद ही का फैमिली मेंबर इसको ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। देखिए कैसे दोनों जहरीले भाई एक दूसरे की मौत बनकर खड़े हुए हैं और एक दूसरे को ही लपेटे में लिए हुए हैं और दोनों में से कोई हमला करने में पीछे नहीं हट रहा है। लगता है आज तो इन दोनों में से एक आध तो कम ही हो जाएगा, क्योंकि जिस खतरनाक तरीके से ये दोनों लड़ रहे हैं इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। जब दोनों की लड़ाई ज्यादा देर तक चलती गई तो किंग कोबरा का पारा बहुत गर्म हो गया और उसने अपने कमजोर दुश्मन को अपने अंदर में ले लिया और उसके शरीर को ऐसे मरोड़ा जैसे वो किसी कपड़े को मरोड़ रहा हो। जब ये कमजोर सांप पूरी तरह से किंग कोबरा के हवाले हो गया तो किंग कोबरा ने इसे जिंदा ही अपने पेट में उतार लिया और धीरे धीरे इसे बेरहमी से निगल गया और फिर आराम से इस यम्मी यम्मी लंच को खाकर सुकून की डकार ली। ये नेवले इतने चालाक होते हैं कि ये सांप को मिट्टी से भी खोद कर ढूंढ निकालते हैं। ये देखिए यहाँ ये सांप आराम कर रहा था तभी ये नेवला इस सांप की शांति भंग करने चला आया। पहले तो इसने सांप की पूंछ पर हमला किया लेकिन फिर इसको कुछ मजा नहीं आया, इसलिए फिर नेवले ने डायरेक्ट सांप के मुंह पर वार करने का सोचा और बिना वक्त गवाए सांप के मुंह को अपने शिकंजे में ले लिया। सांप लगता है ज्यादा ही मासूम था, इसलिए बिना मेहनत करवाए ही नेवले के हाथ लग गया और चुपचाप उसके मुंह में जा फंसा। यहाँ तो बाजी ही उल्टी पड़ गई है, क्योंकि यहाँ नेवले ने सांप को अपने मुंह में नहीं चकड़ा है बल्कि सांप ने नेवले को अपने लपेटे में ले लिया है और छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। लेकिन नेवला सांप के हाथ लगने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो इस आतंक से अपनी जान छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन सांप के लपेटे से बाहर नहीं आ पा रहा है। बहुत देर ऐसा ही चलता रहता है। नेवला सांप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी नेवले के दिमाग की बत्ती जलती है और नेवला सांप को लेकर झाड़ियों में चला जाता है और फिर झाड़ियों के अंदर क्या होता है वो तो इन दोनों को ही पता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको नेवले के खोखार हमले कैसे लगे? वैसे आपको इन दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक लगता है, नेवला या सांप? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।